आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के बाद गुरुवार को पहली बार गोरक्षपीठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलकित मंदिर में मुदित जन ने किया सीएम योगी का अभिनंदन। सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ का किया दर्शन पूजन। दादा गुरु व गुरु की समाधि स्थल पर जाकर लिया आशीर्वाद। पांडेहाता की होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उतारी भक्त प्रहलाद की आरती। कहा, 10 मार्च से ही होली खेल रही है प्रदेश की जनता। चुनाव परिणाम इस बात का द्योतक है कि हमेशा होती है सत्य की जीत। बरसाने से कम नहीं है गोरखपुर की होली। आसमान से बरसता है रंग और अबीर गुलाल से रंगीन हो जाती है हवा। रथ पर सवार गोरक्षपीठ अधीश्वर सीएम योगी करते हैं रंग भरी होली की शोभा यात्रा की अगुवाई। लोग ही खींचते हैं रथ को और आगे पीछे होते हैं हजारों लोग। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष स्टोरी। मार्च को हुई युवक की हत्या के आरोप में गुलेरिया पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। होलिका दहन उत्सव समिति के द्वारा पांडेहाता से निकलने वाली होलिका दहन शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की आरती उतार कर शोभा यात्रा का करवाया शुभारंभ। लोगों के साथ खेली फूलों की होली। लोगों ने पूरे रास्ते मुख्यमंत्री योगी के ऊपर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री ने दी होली की शुभकामना। भगवान नरसिंह की पूजा कर सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मठ स्थित अपने आवास के शक्ति मंदिर में किया रुद्राभिषेक। देवाधिदेव महादेव से की लोक मंगल की कामना। मतगणना वाले दिन ईवीएम के प्रति अफवाह फैलाने वाले तथा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में किया गया भव्य स्वागत। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए दूर दराज से आए लोग मंदिरों को जगह जगह पर फूल मालाओं से सजाकर उनका भगवान की तरह किया गया स्वागत अभिनंदन। श्रद्धालुओं ने कहा, जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी रावण को हराकर अयोध्या वापसी किए थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अत्याचारियों तथा भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके योगी आदित्यनाथ पहली बार आ रहे हैं मंदिर। अवैध स्मैक एवं एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए दो नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 220। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।